नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर सरनवाल। विस्फोटक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। विस्फोटक न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, विस्फोटक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के पालीगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 के लिए ये आज मेरी अंतिम सार्वजनिक बैठक है, मेरे लिए आशीर्वाद लेने का अंतिम अवसर है, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री पद के सेवा के भाव से स्वीकार करते हुए मैं फिर एक बार विकास की गंगा लेकर आपके साथ आपके बीच आऊंगा। इस दौरान उन्होंने लालू परिवार पर भ्रष्ट परिवार होने का आरोप भी लगाया। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में बंगाल काफी हिंसक हो गया। कल कोलकाता में हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में जमकर बवाल हुआ, हिंसा भी हुई और आगजनी भी की गई। इसी को लेकर आज दिल्ली में अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला भी बोला, साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी पक्षपात करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा, बंगाल में जो घटनाएं हुई हैं उसी की हकीकत बताने आया हूं। बीजेपी तो पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, लेकिन हिंसा सिर्फ बंगाल में हो रही है। बंगाल में आखिरी चरण के मतदान से पहले गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में गृह मंत्रालय ने बंगाल में चुनाव के दौरान 700 CRPF की कंपनियां लगाने की अपील की है। इस चिट्ठी में मंत्रालय ने अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा का भी जिक्र किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज वाराणसी पहुंची। यहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के लिए रोड शो किया। प्रियंका ने लंका में मदन मोहन मालवीय प्रतिमा से इस रोड शो की शुरुआत की। रोड शो काशी विश्वनाथ मंदिर तक गया। आपको बता दें, रोड शो के बाद वो काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर भी गयी, जिसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़पों के दौरान बांग्ला लेखक और दार्शनिक ईश्वर चंद विद्यासागर की प्रतिमा गिराने के मुद्दे पर चुनाव आयोग से मुलाकात करने का समय मांगा है। TMC ने ट्वीट किया, डेरेक ओब्रायन, सुखेंदु शेखर, मनीष गुप्ता, नदीमुल हक वाली, तृणमूल संसदीय टीम कोलकाता में शाह के रोड शो के बाद बंगाल की संपदा पर हुए हमले को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात करना चाहती है। भाजपा के बाहरी गुंडों ने आगजनी की और विद्यासागर की अवक्ष प्रतिमा को तोड़ दिया। दिल्ली के उत्तम नगर में कल देर रात नेशनल लेवल के पावर लिफ्टर बॉबी को जान से मारने की कोशिश की गई। उन पर ये जानलेवा हमला उनकी पत्नी के भाई नीरज और पारस ने किया। हमले के पीछे की वजह है कि एक ही गोत्र में शादी करना बताया जा रहा है। रात करीब 10:30 बजे वो नवादा के लिए निकले। दोनों आरोपियों ने उन पर गोलियां चलाई जो उनकी कोहनी में जा लगी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा के गैलेक्सी वेगा अपार्टमेंट में पार्किंग के दौरान एक स्कूटी सवार गाड़ी से टकरा गया। दरअसल स्कूटी सवार पार्किंग से निकल रहा था, तभी दूसरी तरफ से आती हुई कार से वो टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी सवार उछल कर दूर गिर गया। गनीमत रही स्कूटी सवार को ज्यादा चोट नहीं आई। ये पूरा वाकया CCTV में कैद हो गया। पुणे शहर के पिंपनी चिंचवाड़ में टिकटॉक पर एक युवक को हथियार के साथ वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स का नाम दीपक आबा दाखले है। बताया जा रहा है, इलाके में अपना रुतबा और लोगों के बीच दहशत पैदा करने के लिए आरोपी ने ये वीडियो बनाया था। जेल से रिहा होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे 18 घंटे जेल में रखा गया, मुझसे जबरन माफीनामा लिखवाया गया और उस पर हस्ताक्षर भी करवाए गए। आगे प्रियंका ने कहा, मैं ममता बनर्जी से माफी नहीं मांगूंगी। ममता बनर्जी के मीम को शेयर करने वाले सभी लोग क्यों नहीं पकड़े गए? मुझे केवल इसलिए पकड़ा गया क्योंकि मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी का मामला आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कल सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका को CM ममता बनर्जी का मीम बनाने के मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन कल प्रियंका की जेल से रिहाई नहीं हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रियंका को समय पर नहीं छोड़ा गया तो ये अवमानना का मामला बनता है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियंका को आज छोड़ दिया गया है, ऐसा राज्य सरकार कह रही है। ऐसे में आगे क्या अवमानना का मामला चलाया जाए या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना गया। इस पर 1 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। कौन बनेगा करोड़पति की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कश्मीर दूरदर्शन पर पहली बार एक नए करोड़पति की शुरुआत की गई।
शो के शुरू होने के महीने बाद ही धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। नॉर्थ कश्मीर के रहने वाले अब्दुल मजीद ने केबीसी में एंट्री करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने फ्रॉड करने वाले को 23 लाख रुपए दिए। दरअसल अब्दुल को बताया गया था कि एक बड़ी रकम चुकाने के बाद वो 1 करोड़ रुपए तक जीत जाएंगे। अब्दुल ने अपना सब कुछ बेचकर 23 लाख की रकम जुटाई थी। अब उनके पास रहने को घर भी नहीं है। परिवार इस पूरे मामले की जाँच पुलिस से करवाना चाहता है। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी एक खबर की वजह से सुर्खियों में छा गई। दरअसल एक वेबसाइट ने हुमा को सोहेल खान की एक्स गर्लफ्रेंड बता दिया, जिसके बाद हुमा ने उस वेबसाइट को आड़े हाथों लेते हुए ट्विटर पर ट्वीट किया और वेबसाइट से माफी मांगने को कहा है। एंटरटेनमेंट वेबसाइट ने हुमा को सोहेल की एक्स गर्लफ्रेंड बताते हुए लिखा, दोनों ने एक फंक्शन के दौरान आमना सामना होने पर एक दूसरे को इग्नोर कर दिया, जिसके बाद हुमा ने ट्वीट करते हुए लिखा, आपको हमसे माफी मांगनी चाहिए, आपके पास कोई भी नैतिकता बाकी नहीं बची है, आपको लगता है हम आपसे डर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए विस्फोटक न्यूज़। नमस्कार।